सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो पिछली दोनों ही फैक्ट वीडियो पे सबसे ज्यादा कमेंट लुई के बारे में आए थे कि यार उसके बारे में फैक्ट वीडियो बनाओ, तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों को बताने वाला हूँ 10 फैक्ट्स अबाउट सीजन 1 के मेन एंटेगनिस्ट यानी कि लुई शिरोसागी के बारे में। एंड सिंस हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है कि लुई सीजन 1 में एक भी मैच नहीं आ रहा था, मतलब शू एंड वॉल्ट उसे ऑलमोस्ट बीट करने वाले थे लेकिन शू का बे डिस्ट्रॉय हो गया एंड वॉल्ट का बे क्रैक की वजह से बर्स्ट हो गया। तो इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है कि लुई सिर्फ 11 बैटल्स हारा है पूरी बेब्लेड बर्स्ट के आने में, मतलब उसके सीजन 1 के बैटल से उसके सीजन 6 के बैटल में जितने भी बैटल हुए हैं उसमें बस वो 11 बैटल्स को ही हारा है, जहां पर वो अपना सबसे फर्स्ट बैटल हारा था फ्री से एंड फिर सेकंड टाइम वो हारा था शू से, जहां पर उसका नाइटमेयर लॉन्गनेस टूट जाता है एंड फिर वो अपना थर्ड बैटल हारता है लुइनोर कप के फाइनल्स में आइगर से एंड फिर उसके बाद वो डायरेक्ट अपना फोर्थ बैटल हारता है लेन से, वो भी बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग में एंड फिफ्थ टाइम वो बैटल रॉयल का जो बैटल हुआ था उसे हार जाता है एंड सिक्स्थ टाइम वो फ्री के साथ वॉल्ट एंड हायुगा की टैग टीम से हार जाता है एंड फिर सेवंथ टाइम वो डांटे के साथ फ्री एंड साइलस की टैग टीम से हार जाता है एंड फिर एट्थ टाइम वो डांटे के साथ शू एंड लेन की टैग टीम से हार जाता है एंड फिर नाइन्थ टाइम वो डांटे के साथ ही हायुगा एंड हिकारू की टीम से हार जाता है एंड फिर टेंथ टाइम वो बेब्लेड बर्स्ट डीबी के एपिसोड 1 में बेल से हार जाता है एंड इलेवेंथ एंड आखिरी बार वो हारता है बेब्लेड बर्स्ट डीबी के एपिसोड 13 में गिल्टी लॉन्गिनस के साथ बेल से एंड इस बैटल के बाद से वो एक भी बैटल नहीं आ रहा है। तो इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है कि लुई का जो लॉन्गिनस बे है उसके सभी एवोल्यूशंस की लेयर में मेटल हमेशा से ही होता है, मतलब लॉस्ट लॉन्गिनस की लेयर में भी मेटल था, नाइटमेयर लॉन्गिनस की लेयर में भी मेटल था, ब्लडी लॉन्गिनस की लेयर में भी मेटल था एंड अगर तुम ज्वाय को काउंट करो तो उसकी लेयर में भी मेटल था एंड फिर रेज लॉन्गिनस की स्पार्किंग रिंग में भी मेटल था एंड फिर उसके बाद गिल्टी लॉन्गिनस के डीबी ब्लेड में भी मेटल था। तो इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है लुई का लॉस्ट लॉन्गिनस कई सारे रिकॉर्ड्स होल्ड करता है, मतलब वो बेब्लेड बर्स्ट का सबसे पहला लेफ्ट स्पिनिंग बे था, वो बेब्लेड बर्स्ट का सबसे पहला बेब्लेड था जिसकी लेयर में तुम्हें मेटल देखने को मिलता है एंड इसी के साथ साथ वो सबसे पहला बेब्लेड बर्स्ट का बेब्लेड था जो कि एनीमे में कलर्ड डिस्क यूज करता है एंड फिर उसके बाद वो सबसे पहला बे था जिसमें तुम्हें नंबर्ड डिस्क देखने को मिलती है। तो इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है कि लुई को बर्स्ट का काउंटर पार्ट भी कंसिडर किया जा सकता है रायुगा एंड साकियो कुरायामी के लिए, क्योंकि ये तीनों ही लोग लेफ्ट स्पिनिंग ड्रैगन मोटिव वाला बे यूज करते हैं प्लस इन तीनों की पर्सनालिटी भी काफी ज्यादा सिमिलर सी है। तो इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं हमारे सिक्स्थ फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है कि बेब्लेड बर्स्ट कैरेक्टर्स पॉपुलैरिटी पोल जो कि हुए थे जापान में 2020 में, उसमें लुई 7th प्लेस जीता था, वो भी 7th मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर के टाइटल से। तो इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं हमारे 7th फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ लुई ही एक ऐसा बेब्लेड बर्स्ट का मेन एंटैगनिस्ट है जो कि एक ऐसा बे ओन करता है जो कि सिर्फ लेफ्ट स्पिन यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज ही स्पिन कर सकता है, जहां पर सभी बाकी एंटैगनिस्ट शू को छोड़ के राइट स्पिन बे यूज करते हैं एंड इन केस अगर तुम सोच रहे होगे कि यार शू ने भी तो स्प्रेगन रिक्रियम यूज किया था जो कि लेफ्ट स्पिन में भी जा सकता है, तो मेरे दोस्त वो डुअल स्पिन की कैटेगरी में आता है ना कि सिर्फ लेफ्ट स्पिन बे की कैटेगरी में। तो इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं हमारे 8th फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है कि लुई ही एक ऐसा सक्सेसफुल बेब्लेड बर्स्ट का एंटैगनिस्ट था जो कि जीता हो फाइनल बैटल अगेंस्ट द प्रोटैगनिस्ट वॉल्ट आउई, जहां पर बाकी सभी एंटैगनिस्ट इस चीज को करने में अनसक्सेसफुल रहे हैं, वहीं पर लुई ही सिर्फ एक ऐसा एंटैगनिस्ट है जो कि इस चीज को करने में सक्सेसफुल रहा हो। तो इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं हमारे 9th फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है लुई का नाइटमेयर लॉन्गिनस ऐसा पहला एंड आखिरी बेब्लेड बर्स्ट का बेब्लेड था जो कि लेयर एंड डिस्क के फ्यूजन के साथ आता हो, नहीं तो इसके बाद ऐसा कोई भी और बेब्लेड नहीं था जो कि इस गिमिक के साथ आता हो। तो इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं हमारे 10th फैक्ट के बारे में कि क्या तुम्हें पता है कि बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग स्लैश सर्ज में हमें दिखाया गया है कि लुई के पास उसका खुद का एक प्राइवेट आइलैंड था। हाँ, तुमने सही सुना, एक प्राइवेट आइलैंड। अब या तो बेब्लेडिंग करने की वजह से वो इतना रिच हुआ होगा या वो पहले से ही काफी ज्यादा रिच होगा एंड जहां तक मुझे लगता है कि वो पहले से ही काफी ज्यादा होगा, क्योंकि तुमने जब सीजन 1 में उसे सबसे पहली बार देखा होगा तब भी वो अपनी यॉट से आया था। तो यही थी आज की
वीडियो 10 फैक्ट्स अबाउट लुई शिरोसागी के बारे में। एंड तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी एंड तुम्हारा क्या ओपिनियन है इन सभी फैक्ट्स के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है या इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लस मैंने अपना एक शॉर्ट्स चैनल भी बनाया है, उसे भी तुम चेकआउट कर सकते हो, उसकी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर तुम्हारा कोई टॉपिक है जिसपे तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो अपने उस टॉपिक को कमेंट कर देना, जैसे कि अगली फैक्ट वीडियो तुम किस ब्लेडर पर देखना चाहोगे या तुम्हारा और कोई टॉपिक है तो वो भी। बट अभी के लिए ऐसे ही और भी अमेजिंग एंड यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे मेन चैनल एंड मेरे एक्स्ट्रा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, तो इसलिए सब्सक्राइब नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।